हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज सॉल्व करेंगे कक्षा 2 सप्ताह 20 और मैथ की वर्कशीट है ये। ठीक है, उब्बिस है रेखा ही रेखाएं। ठीक है, आज पढ़ेंगे रेखाएं। रेखाएं को इंग्लिश में कहते हैं लाइन। ठीक है, तो नीचे क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1, नीचे दी गई संख्याओं को देखें और लिखें। संख्याएं जिनमें सीधी रेखाओं का प्रयोग, या सीधी रेखा किसमें, सीधी रेखा बोले तो ऐसे सीधा, बिल्कुल सीधा। तो यहाँ देखें कैसा है, उसमें सिर्फ एक संख्या है जिसमें एक में इसका यूज़ हुआ है। ठीक है, यहाँ एक लिख दिया। संख्याएं जिनमें घुमावदार रेखाओं का प्रयोग हुआ है, घुमा के जैसे इस टाइप से ऐसे, तो नीचे एक रेखा है लेकिन वो घुमी हुई है, तो यहाँ लिख देंगे 2। ठीक है, 7। ठीक है, 5 और 9। ठीक है, 4 भी ऐड कर देंगे इसमें, 4 में भी रेखा है ना सीधी। ठीक है, अब देखेंगे तो नीचे क्वेश्चन है, संख्या जिनमें दोनों रेखाओं सीधी घुमावदार का प्रयोग हुआ है। सीधी एक, घुमावदार में 2, 4, 5, 7 और 9। नीचे दी गई आकृति को देखें और निर्देशानुसार खाली स्थान भरें। खड़ी रेखाओं की संख्या, खड़ी रेखा कितनी है देखो। खड़ी रेखा, खड़ी रेखा मतलब सीधी, बिल्कुल सीधी। 1, 2, 3, 4 खड़े रेखाओं की संख्या, 4। तिरछी रेखाओं की संख्या, तिरछी रेखा कितनी, 1, 2, 3, 4। ठीक है, 4। पड़ी हुई रेखाओं की संख्या, पड़ी हुई संख्या ऐसे इस टाइप से, जो पड़ी हुई इस टाइप से लेटी हुई जो संख्या है, रेखा है 1, 2, 3। ठीक है, 1, 2, 3, 3। घुमावदार रेखाओं की संख्या, घुमावदार कितनी है, 1, 2। ठीक है, 2। दिए गए चित्र को कॉपी में बनाकर 1 से 10 तक के बिंदुओं को मिलाएं। ठीक है, जैसे 1 से 10 तक मिला, 1 से 2 को मिलाएंगे, 2 से 3 को मिलाएंगे, 3 से 4 को मिलाएंगे, 4 से 5 को, 5 से 6 को, 6 से 7 को, 7 से 8 को, 8 से 9 को, 9 को 10 से। वाह, ये तो स्टार जैसा कुछ बन गया ना। चलो सब अपनी अपनी कॉपी में बनाएंगे और फिर देखेंगे कि ये क्या है। नीचे दिए गए बॉक्स में अक्षरों को देखें। ठीक है, ए है, न है, म है, क है, ज, त, ट, ए, बड़ी ए डी है, स है, उ है। निम्न जिनमें सीधी रेखाओं का प्रयोग हुआ है उन्हें लिखें। सीधी रेखाओं का प्रयोग किस में हुआ है, त, त बनाने में सीधी रेखा, मैं, ठीक है, ने, से, के, ठीक है, जिनमें घुमावदार रेखाओं का प्रयोग हुआ है, घुमावदार रेखाओं का प्रयोग जिनमें हुआ है, ऊ में हुआ है, ऐसे घुमा दिया, टे में हुआ है, और फिर अगला क्वेश्चन है, जिनमें सीधी और घुमावदार दोनों रेखाओं का प्रयोग हुआ है, जय। ठीक है, और क्या है, ए। दी गए चित्रों को उसी अवस्था की रेखा के आधार पर मिलाएं। ठीक है, देखो ये बैंड हो रहा है तो इसको इससे मिला देंगे, ये बच्चा खड़ा है तो इसको इससे मिला देंगे, ये लड़की तिरछी हो रही है तो इससे मिला देंगे, बच्चा कौन, ये सीधी लेटी हुई है तो इसको इससे मिला देंगे। घड़ी देखें और समय लिखें। आप सबको समय देखना आता है ना, चलो अपन देखते हैं। यहाँ कितने हैं, यहाँ 2:45 हो रखे हैं। कितने, 2:45। चलो मैं आपको गिनना बता देता हूँ कैसे गिनते हैं। ये एक यहाँ से अगर बड़ी, जो बड़ी सुई है घड़ी की, वो आएगी तो 5 मिनट इस तरीके से, यहाँ 10, यहाँ 15, यहाँ 20, यहाँ 25, बीच में 30,
यहाँ 35, यहाँ 40, और देखो यहाँ पे 45, यहाँ पे 50, यहाँ पे 55, और यहाँ आते ही पूरा 1 घंटा हो जाता है। 60 मिनट, 1 घंटे में कितने 60 मिनट होते हैं, ठीक है, 1 आवर में 60 मिनट, ठीक है, आप समझ गए ना। चलो देखो यहाँ पे एक पड़ी सुई है, 4 पे है, यहाँ ये 12 पे है, 12 यानी कि 4 पूरे बज रहे हैं, कितने बज रहे हैं, पूरे 4 बज रहे हैं। यहाँ घड़ी 6 पे है और यहाँ पे 15 पे है, तो 6:15 हो रखे हैं, ठीक है। चलो नीचे दिए गए समय के अनुसार, अब पहले तो अपन को देखना था समय क्या हो रहा है, अभी देखना है कि सुइयाँ कहाँ पे होंगी, ठीक है। 2 बज रहे हैं, तो ये देखो ये जो घड़ी की छोटी सुई है ये 2 पे, और घड़ी की लंबी वाली सुई सीधी बिल्कुल 12 पे होगी, ठीक है। अब 6:30, देखो ये तो 6 है, ये 6 है, और ऊपर से 30 हो रहे हैं, तो यहां पे ही इसकी लंबी वाली सुई आएगी, ठीक है। 8:45, चलो ये तो हमने 8 बजा दिए छोटी वाली घड़ी से, और 45 के लिए लाएंगे यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से ये बन जाएगा, लंबी वाली सुई 45 पे रहेगी। नीचे दिए गए कुछ त्यौहार दिए गए हैं, दिए गए 2020 के आखिरी 3 महीनों का कैलेंडर देखें और बताएं दिए गए त्यौहार तारीख कौन से दिन होंगे। दीपावली 14 नवंबर 2020 की दे रखी है, तो अब जाएंगे 14 नवंबर में। नवंबर में 14 कहाँ है, ये रहा, 14 को क्या वार है, शनिवार, तो यहाँ लिख देंगे शनिवार, ठीक है। अब देखेंगे गांधी जयंती 2 अक्टूबर 2020, अक्टूबर में आ जाएंगे, 2 अक्टूबर कौन सा दिन, शुक्रवार, क्रिसमस 25 दिसंबर 2020, दिसंबर का महीना ये रहा, 25 तारीख ये रही, तो क्या दिन है, शुक्रवार, फिर से शुक्रवार है। अब क्या है, गुरु नानक जयंती 9 नवंबर 30 2020, नवंबर ये रहा, 30 तारीख ये रही, तो क्या दिन है, मंगलवार। ईद ए मिलाद 10 अक्टूबर 2020, अक्टूबर का महीना ये रहा, 30 तारीख ये रही, तो कौन सा दिन है, शुक्रवार। छठ पूजा 9 नवंबर 2020, नवंबर का महीना, 20 तारीख कहाँ है, ये रही, 20 तारीख में कौन सा दिन है, शुक्रवार। समझ में आ गया आप सबको, कैसे किया, चलो फिर से एक बार देख लेंगे। दिवाली नवंबर का महीना, नवंबर ये रहा, 14 पे पहुंच जाएंगे, ये रहा, कौन सा दिन है, शनिवार, ठीक है, क्या लिखा है, शनिवार, ठीक है। इस तरीके से अपन देखेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये आज की वर्कशीट थी, सभी बच्चे इस वर्कशीट को हल करेंगे और देखेंगे, अगर कोई भी समझ में नहीं आता है आपको तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं, ठीक है, और कोई भी समस्या हो तो आप वीडियो के कमेंट में भी कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।